I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. अच्छा बुरा सब लिखने की आदत रही है मुझे। आज 8 साल बाद फिर से लिखने का मन किया। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, खास करके मिनी। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। ये बंडल फोन रोज बंद हो जाता है, हम नया क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। अब ज्ञान मत। मम्मा फैन क्यों बंद किया? उठ ना मिनी, प्लीज उसे फोन कर, मुझे बहुत देर हो रही है। नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली नॉट रीचेबल। नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज मम्मा फोन नहीं लग रहा है, ट्रेन में हूँ। ट्रेन में कैसे हो सकती है, 6 बजे पहुंच जाना चाहिए था उसको। तो मम्मा आप चले जाओ ना। फिर से ट्राई कर। आई विल बी ओके, थोड़ी देर की तो बात है। तू अकेली रह लेगी कि वेट करूं? ओह मम्मा प्लीज गो। पक्का? हाँ पक्का। उसकी बच्ची आ जाने दो। प्लीज गो ना, उसे ट्रेन से जाके फोन कर लेना। पर फोन तो बंद है मेरा। एनीवे सुन, स्कर्ट और टॉप वहां रखा है और दरवाजा खुला छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज संभाल के। डोंट बी अ कंजूस, रिक्शा लेके स्टेशन जाना। बाय बाय। बेनू काका विद्या। बेनू काका थोड़ी देर के लिए मिनी का ध्यान रखेंगे प्लीज। क्यों क्यों लो? नहीं कुछ नहीं, वो ऑफिस के लिए देर हो रही है और नर्स अभी तक आई नहीं है। जब तक वो नहीं आ जाती आप प्लीज उसका ध्यान। तुम शांति से ऑफिस जाओ, हम हैं। थैंक यू। ओ दीदी स्टेशन जाएंगे। किधर थी तुम? बॉस पूछ रहा है बार बार। आ रही हूँ। अरे
विद्या आ गई, एक सेकंड। चलो चलो चलो, बॉस कब से वेट कर रहा है। विद्या एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, थैंक गॉड तुम आ गई। मिनी कहाँ है? बाथरूम में। लेट क्यों किया? तुम्हें शाम 6 बजे घर पे होना चाहिए। जी हाँ, सॉरी। और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? थोड़ हुआ है। अच्छा देखना, मिनी अपना स्कूल का काम कंप्लीट करे और उसकी ज्यादा पास नहीं जाना। मैं नहीं चाहती उसे कोई इन्फेक्शन। विद्या ठीक है, चलो ना यार। आई 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 आई, सॉरी सॉरी सॉरी। सैंपल हो तुम, सीरियसली। हेलो डॉक्टर, मिठाई कब खिला रही हो विद्या? अरे वो तुम्हारा चंदन नगर में, वो क्या फेमस क्या है? जौल भरा जी, चट्टे तो। अब जब बोलो। अभी I have a good news. क्या न्यूज़ है डॉक्टर? एंड्रयूज़ ने कॉन्फर्मेशन भेज दिया है, तुम मिनी को लेकर अमेरिका जा सकती हो। लेकिन विद्या, जाके भी कोई गारंटी नहीं है कि मिनी ठीक हो जाएगी, फिर से चल पाएगी। क्या बेटा जाना है? विद्या नहीं जाना है डॉक्टर। That's the spirit. सुनो, मेरे ट्रैवल एजेंट ने तुम्हारे पासपोर्ट वीसा मेरे ऑफिस में भेज दिए। जल्दी जल्दी आके ले लो। याद रखना, जौल भरा नहीं लाई तो मैं भी ये देने वाला नहीं हूँ। ओके बाय। मिनी, मिनी लाइट्स क्यों ऑफ है? मिनी हेलो, कहाँ हो तुम लोग? दीदी मैं तो घर पे हूँ। क्या, मिनी कहाँ है और तुम घर पे क्यों हो? आपने ही मना किया था आज। मैंने जब तुमसे ऑफिस से बात की तो तुम, मैंने मना किया मतलब? आपके यहाँ आ ही रही थी, आप फोन करके आने से मना कर दिया। मैंने फोन किया? मिनी को देखा है? मिनी, अरे तू बोला था ना तो सकाल वाला क्या था, देख क्या जूस भी पिला दिया। फिर तुम बोला नर्स आ गया। मैंने कहा? वो फोन से बोला था ना। कब? इधर मैं तो 11 बजे ना गया। पर मैंने तो फोन ही नहीं किया। हेलो, फोटो देखा? कौन हो तुम? मिनी कहाँ है? अरे इतनी जल्दी भूल गई मुझे, कोई बात नहीं, मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है। सुनिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। दोबारा मेरी बात काटी तो फोन कट जाएगा। अगर मिनी को जिंदा देखना है तो उस एड्रेस पे अभी इसी वक्त आ जाओ। प्लीज मिनी को कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज। मैं हेलो 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 मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है तो इस एड्रेस पे। मिनी को आखिरी बार जिंदा देखना है।
থানা থেকে এসেছি ইন্দ্রজিৎ সিং। কে? ইন্দ্রজিৎ সিং। ডক্টর মাইতি, সাব ইন্সপেক্টর ইন্দ্রজিৎ সিং। আপনি অ্যাটেন্ডার রিপোর্ট কি? ইয়েস ইয়েস, কিন্তু অনলি নট রান। ये तो है वही आदमी जो पेशेंट को लाया था। अरे क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा वहाँ बैठ जाओ। मेरे घर की समस्या। अरे जब तक मैं नहीं कहता हूँ वहाँ बैठे रहो। बैठो। एक तुम कहे। आइए। अच्छा आपको कभी देखा नहीं? क्यों, आपका रोज पुलिस से पाला पड़ता है? अरे ना ना, दो एक बार हम पुलिस स्टेशन गया था लेकिन वहाँ आपको कभी देखा नहीं। हाँ पिछले हफ्ते ही ट्रांसफर हुआ। ओह क्या कंडीशन है? ये तो प्रॉब्लम है, वो कोमा में चली गई है। कोमा में? यस, इट इज एन एक्यूट केस ऑफ टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। लेकिन मेरा हिसाब से ये एक टेम्पररी है, 5-6 दिन के अंदर ये होश में चले आना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा प्रॉब्लम तो कुछ और है ना। इनकी जो इलाज है ना, काफी महंगा है, कौन देगा इतना खर्च बोलिए तो। देखिए मैक्सिमम उसको हम 2 दिन रख सकता हूँ, उसके बाद रखना मेरे लिए। डॉक्टर, आई एम श्योर उसका कोई ना कोई तो निकलेगा। डॉक्टर क्या आप 1 सेकंड के लिए इनका मास्क हटाएंगे, मुझे इनका चेहरा देखना है। खुले दो तो। दुर्गा? नहीं नहीं, ये विद्या। विद्या? हाँ, ये दुर्गा नहीं, विद्या, विद्या सेना। विद्या सेना? ये आपको कैसे पता? है लगा। ये देखिए ना, उसके पास मिला था, इसके पास था जब इधर लाए गए। विद्या सिन्हा? आप पहचानते ही नहीं? नहीं। ए, चल चल। जी सर। कोई दोस्त नहीं है, अचानक उधर से भाग के आए। एक्सीडेंट यही मोड़ पे हुआ था। क्या हुआ था? Hey police! Hands up! Hands up! Hey, रोना बंद कर यार। बाकी किधर से? Hands up! Hands up! जेल पूरे दबाओ! जेल पूरे दबाओ! दादा, ओ दादा, इसे जानते हो? ये तो विद्या दीदी है। कहाँ रहती है? के? पुलिस। पुलिस क्या ना? आप इन्हें जानते? एक सेकेंड, ये तो हमारे विद्या है। नीचे आके देखा, पूरा खुला पड़ा है, हम खुद ही तो आके सब बंद करके गया। आपने बंद किया? हाँ, मेरे पास एक चाबी है, कब मिनी को दरकार पड़ गया। ये मिनी कौन है? उसका बेटी। उसकी बेटी? हाँ। उसकी उम्र क्या होगी? 14-15 की होगी, पर बेचारी पैरालाइज्ड है। तब कहाँ? वो ये तो पता नहीं चल रहा है, उसकी माँ भी पूछ रही थी कि वो कहाँ गई। आपने कहा मिनी पैरालाइज्ड है? हाँ, कोमर के नीचे। उसकी व्हीलचेयर यहाँ है, वो कैसे जा सकती है? वो समझ में नहीं आया कि ये किधर गया, उसके नर्स को शायद पता है। ये नर्स किसका नंबर है आपके पास? वही बोर्ड में है।
सच में कोमा में हो या मुझसे भाग रही हो? पर मुझसे कैसे भागोगी दुर्गा रानी? तुम तो जवाब ही नहीं दे रही, मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। सॉरी, साफ करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं मिनी को तब तक नहीं मारूंगी जब तक तुम होश में नहीं आओगी। उसमें थोड़ा ना कोई मजा। हो नहीं आओ, ये विजिटिंग आवर्स नहीं है। अद्भुत तो। विद्या जी ने कहा था आपसे आज काम पे नहीं आने के लिए। हाँ। ठीक है। अंकल, अंकल, आप ऊपर जाके सो जाइए। रश्मि, याद है कि भूल गए? क्या? घर में एक बीवी है, बच्चा है, यहाँ पे। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, वो भूलने के लिए पहले मरना पड़ेगा ना। छी छी छी, क्या नाप चना बोल देते हो। क्यों, बहुत प्यार हो गया मुझसे? बिल्कुल नहीं। ये लो अपनी बेटी से बात करो। सुबह से माता खा रही है मेरा। डैडी मुझे कुत्ता चाहिए। अरे नहीं बेटा, वो तो तुम्हारी मम्मी का डिपार्टमेंट है, तुम उन्हीं से पूछ लो। पूछ लिया, वो बोली घर में आ तो कुत्ता रहेगा या वो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो कुत्ता ले लेते हैं, हम दोनों का काम हो जाएगा। क्यों, कोई दूसरी बीवी मिल गई है क्या? अरे बाबा, मजाक कर रहा था यार। कब तक आओगे? टाइम देखा है, कितने घंटे से वेट कर रही हूँ मैं। सिमरन भी सोनी रही है तुम्हारी वेट में। 9 बजे बोला था, 12 बज गए हैं। ये कोई टाइम होता है वापस आने का? अच्छा बस, अब जल्दी आओ। डिनर नहीं करना क्या तुमको? वैसे कुछ खाया भी है कि नहीं? अरे रश्मि, एक मिनट, एक बता, मैं कुछ आ रहा हूं, मत बोलना। आ रहा कहना चाहते हो मुझसे? नहीं तो क्यों? नहीं, शकल से लग रहा है अंदर कुछ दबा रहे हो। क्यों, तुम्हें कुछ कहना मुझसे? हाँ तो बोलो। क्या हम कोलकाता वापस जा सकते हैं? अरे बाबा, एक हफ्ता ही हो यहाँ पे शिफ्ट हुए। लेकिन सब बोरिंग है यहाँ पे, 9 बजे लोग सो जाते हैं। छोटे शहरों में ऐसे ही होता है क्या? लोग 9 बजे सो जाते हैं। तो हम क्यों जागे हैं? क्या हुआ? ये दुर्गा नहीं, विद्या। ये मिनी कौन है? उसका बेटी। आज एक बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, पर पता नहीं मैंने सही में सुना या मुझे मेरे ही बचपन की कोई आवाज़ सुनाई दी। शुरुआत स्कूल के एक रूटीन दिन की तरह ही हुई। स्कूल का वही सेम काम, कोई फीस भरने आए तो कोई सिलेबस लेने। लेकिन जिसका मुझे इंतजार था वो नहीं आई। Then maybe I spoke too soon. As usual, मिनी दीवान को प्रिंसिपल के ऑफिस में लाया गया, मेरे बोरिंग दिन में इकलौती राहत की बात।
हर हफ्ते कम से कम एक बार तो ये होता ही है। पर मिनी मेरी तरफ कभी नहीं देखती, चुपचाप बैठ के अपने कागज के खिलौनों से खेलती रहती है। मैंने कई बार उससे दोस्ती करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन सब ट्राई फ्लॉप हो गए। मिनी दीवान से दोस्ती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आज मिसेस बर्नेट कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। मिसेस, ओह, शी इज नॉट देयर। नहीं दुर्गा, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद दिस गर्ल। पहले तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, अब देखो मेरी क्लास में सोने में लगी है। यू कीप ऑन सिटिंग हियर, नॉनसेंस। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और फिर दिन बदला। पहली बार मिनी मुझे देख के मुस्कुराई। दीक्षा, रोशनी, आज उसका ड्राइवर लेट था तो मैंने मौके का फायदा उठाया। हेलो, तुम्हारी गाड़ी तो आज लेट है, आज क्लास में सो गई थी। गाड़ी आ गई। तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा है। और जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी क्लास में सो जाया करती थी, खासकर मैथ्स में। मिसेस बर्नेट बहुत बोरिंग है क्या? जरूर होंगी, शक्ल से ही लगती है। नहीं। अरे तुम तो बोलती भी हो। बर्नेट मैम बोरिंग नहीं है। नहीं तो फिर मैथ्स बोरिंग है? मैथ्स बोरिंग नहीं है, मिसेस बर्नेट बोरिंग नहीं है, तो फिर क्लास में सो क्यों गई थी? क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देते। समझ में नहीं आया कि मिनी ने क्या कहा। इससे पहले कि मैं दोबारा कुछ पूछती, उसकी गाड़ी आगे निकल गई। क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देते। पता नहीं मैं हर दिन फ्रूट क्यों खरीदती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है फ्रूट्स। लेकिन मुझे बदलना होगा। डॉक्टर ने कहा स्किन इम्प्रूव करने के लिए फ्रूट्स खाने होंगे, और अब मैं अच्छी लगना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, अरुण के लिए। दुर्गा, मैं जिंदगी को एक और मौका देना चाहती हूँ। अरुण से कैलमपोंग में मैं पिछले साल मिली। आई थिंक ही लाइक्स मी, जबकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे वो सब दे पाऊंगी जो उसे चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। कुछ खोई हुई लग रही हो। नहीं, बस चुप थी। पक्का? हाँ, क्यों? क्योंकि हम अभी अभी तुम्हारे घर के सामने से निकल आए हैं। दुर्गा, रात को खाना खाने बाहर चले? मैं हाँ कहना चाहती थी, पर अरुण आज। नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हें ठीक लगे तब जाएंगे। रेस्टोरेंट कहाँ भाग कर जा रही है? जा रहा है। कौन? रेस्टोरेंट जा रहा है। ओह, रेस्टोरेंट जा रहा है। अच्छा, मैं भी जा रहा हूँ। बाय। पे गुस्सा आ रहा था। अरुण को क्यों मैं ना बोली, लेकिन मिनी की बात दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। क्योंकि वो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज एक बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, और पता नहीं मैंने सही में सुना या मुझे मेरे ही बचपन की कोई आवाज सुनाई दी। उठो, सुबह हो गई। तुम कब से किताब पढ़ने लगे? किताब नहीं, डायरी। किसकी है ये? तो किसी की स्कूल की डायरी लग रही है। अरे एक एक्सीडेंट का एविडेंस है यार। मुझे तो मालूम भी नहीं था। क्या तुम्हें पढ़ना भी आता है? हाँ हाँ हाँ। राम सिंह आइए। हाँ सर।
इन्हें उसको थाने बुला और एविडेंस रिकॉर्ड करने का खाता ला। किसका सर? एविडेंस रिकॉर्ड करने का खाता। ये एविडेंस है, इसको रिकॉर्ड करने का खाता होगा ना? नहीं सर, ये चंदन नगर है ना, यहाँ पर कभी कुछ होता है क्या? नहीं होता, अब हो रहा है ना। जाके खरीद के ला। यस सर। थैंक यू। उसके बाद कई दिन तक मैंने मिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक भी मौका नहीं मिला। मैम, समझ में नहीं आ रहा था किससे बात करूं, और मुझे अपने एक्सपीरियंस से मालूम है बिना सबूत के किसी से भी बात करना बेकार है। मुझे मिनी के करीब आना था, तभी तो वो मुझसे बात करेगी। एक प्लान चाहिए था। उस दिन स्कूल के बाद मैंने मिनी के रिकॉर्ड्स देखे। मैंने देखा कि वो मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी वीक है। उस हफ्ते अरुण के बारे में मैं भूल ही गई थी। दीदी क्या हवा में उड़ गया क्या? दाजू सब ठीक छ? देखा मैंने कहा था ना। सॉरी, एक्चुअली पूरे हफ्ते तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए स्कूल में आई गॉट वरीड, यस सो आई केम हियर। हाँ प्लीज। अब तक मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी कि कोई मेरे बारे में सोचे, मेरी केयर करे। छाता खुल गई। पूरे किले हो गए। बाय। यहां रख दो। मुझे डर लग रहा था। जब से मुझे याद है, मैं सारी दुनिया से छुपना चाहती थी। चाहती थी कि लोग मुझे अकेला छोड़ दें, कि कोई मुझे छुए ना। I'm so sorry, तुम ठीक हो ना? मैं पानी लाती हूँ। हाँ। मुझे नॉर्मल होना है। मैं चाहती हूँ अरुण मुझसे प्यार करे, इंदर की तरह नफरत नहीं। सर, ओ नार्स आ गया। नमस्ते सर। अभी कैसे कह सकती हैं कि विद्या ही मिनी की माँ? सर उसका नाम मिनी सिन्हा है, विद्या सिन्हा की बेटी मिनी सिन्हा। इसके अलावा? सर दीदी अपने जान से भी ज्यादा उसको प्यार करता है, माँ के अलावा इतना प्यार कौन करेगा? तो फिर ये मिनी गई कहाँ? पता नहीं सर, शायद डॉक्टर सेन जानेगा। डॉक्टर सेन? हाँ, जो कोलकाता में रहता है, जो मिनी का ट्रीटमेंट करता है सर। सर ओ डॉक्टर माइती का फोन। आप उनका पता जानती हैं? हाँ। इसमें जरा लिख दीजिए। हाँ। थैंक यू। डॉक्टर माइती? डॉक्टर माइती है? हाँ सर। विद्या सेना को देखने। अच्छा, बहुत लोग आ रहे हैं उनसे मिलने। और कौन आए? वही लेडी जो अभी बाहर गई ना। नीला कुर्ता? हाँ वही। हेलो सर, थाने से इंस्पेक्टर साहब आया है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ सर। अगर दूर विद्या सेना से कोई दोबारा मिलना है तो मुझे फौरन कांटेक्ट करना। ओके सर। हाँ। और अगर ये नंबर नहीं लगे तो मैं अपना घर का नंबर दे रहा हूँ, उस पर फोन करना। ठीक है सर। अच्छा एक बात बता। हाँ सर। जब इसको लेकर आए थे, इसके पास कोई मोबाइल फोन था क्या? पता नहीं सर। कोई रिश्तेदार मिला? पता क्या? हाँ सर। हाँ एक शायद मिली थी, लेकिन वो भी भाग गई। रिश्तेदार लोग ऐसे ही होते हैं, सब भाग जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर उसका भी एक दिन से ज्यादा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत खर्चा है।
बहुत। मुझे पता करना था मिनी की बात का क्या मतलब था, और ये पता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। कौन नहीं सोने दे रहा था उसे? दाजू? हजूर। घर में कोई छा? मित्रा हुनुन, जासार हुनुन। अच्छा। मैं मिनी की दादी हूँ। नमस्ते। बैठो। क्या बात है? मैं पूरी तैयारी करके आई थी। मैं मिनी के स्कूल से आई हूँ। हमें उसके परफॉर्मेंस को लेके कुछ कंसर्न्स हैं, इसीलिए आप घर में आई हैं। बात शुरू करने से पहले अपना परिचय दिया करते हैं। सॉरी, मैं मेरा नाम दुर्गा रानी सिंह है। कैलिम्पोंग से हैं? नहीं, दिल्ली से, और फिर कोलकाता में थी। शादीशुदा हैं? नहीं। आप मिनी के स्कूल में टीचर हैं? पहला झूठ। हाँ। यस सर। बाय मॉम। हाँ। अच्छा बताइए। मैंने उनसे कहा कि मिनी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में बाकी क्लास से पीछे रह गई है, और स्कूल चाहता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन दिया जाए। तो इसके लिए उसको स्कूल में एक घंटा और रहना पड़ेगा? हफ्ते में दो दिन, यही मौका था मिनी को अकेले पाने का। मिनी सिर्फ 6 साल की है, कौन सा उसे IAS का एग्जाम देना है। नहीं, उसे कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं हेडमिस्ट्रेस को फोन करके बता दूंगी। थैंक यू। ओह नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो स्कूल से कोई बात करे, पर स्कूल के बाद एक घंटे की तो बात है। नो, आई वॉज लूजिंग। फिर एक आखिरी कोशिश की। वैसे मैं घर आ सकती हूँ मिनी की हेल्प करने। कुछ और बच्चों के लिए भी ऐसा करते हैं हम। आप जाती हैं दूसरे बच्चों के घर? एक झूठ छुपाने के लिए एक झूठ और। हाँ। जी सर, आता हूँ सर। फोन ना जाना। हाँ हाँ। सर, कोई फोन नहीं था उसके पास। ओके। Hey, तो आ गए अंदर तुम? सर, आप ही के पास आ रहा था, चले। नहीं 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 यार, बट 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 सुनो, वो सुनो, चार दे रहे माइती का नर्सिंग होम से एक फोन आया था। हाँ। वो कोई? हाँ मैं वही सर। तो पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। सर आप पागल हो गए क्या? माने? अरे पेशेंट टेम्प्ररी कोमा में, डॉक्टर मैती का खुद कहना है कि वो आजकल में बाहर आ जाएगी, तो सबको इतनी जल्दी किस बात की पड़ी? अरे खर्चा कौन भरेगा? अरे कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना। तुम्हें मिला कोई? अब तक तो नहीं, लेकिन मैं। हाँ, मैती भी वही बोला था, पैसा कौन भरेगा? तू इन द सीनियर ऑफिसर के साथ बात करने से पहले थोड़ा सोचो। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट केस आया है। अरे तुझे चाचा क्यों ना रे? ये क्या? ये दुर्गा रानी सिंह है, एक किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए वांटेड है। क्या? डेंजरस वुमन है सर। ये कलिम्पंग का एक घर से एक बच्ची को किडनैप किया, और जब कोई रोकने की कोशिश की बस उसे मर्डर कर दिया, और उसे यही चंदन नगर में स्पॉट किया गया। तो कलिम्पंग पुलिस जब आएगा तब उनके साथ मिलके तुमको इसे ढूंढना पड़ेगा। सर ये लड़की मर्डर कर ही नहीं सकती। तुम्हें कैसे मालूम? पहचान थी उसे? सर इसकी शक्ल देखिए, देखिए, आपको लगता है मर्डर कर सकती? मेरी गट फीलिंग तो कहती है लड़की मर्डर नहीं कर सकती। इन्हें तुमको लाल बाजार में प्रमोशन मिलने वाला था ना, क्या हुआ उसका? लास्ट केस में तुम्हारा गट फीलिंग की वजह से चौपाट हो गया, और लाल बाजार के बदले में तुम्हारा चंदन नगर में पोस्टिंग हो गया। इसीलिए जो मैं बोलता हूँ वो सुनो, और तुम्हारा वो गट फीलिंग को पेट का अंदर में ही रहने दो, बाहर मत लाओ। सॉरी सर। सर ये लीजिए नया खाता, एविडेंस के लिए। क्या एविडेंस? ए डायरी, ए इसके लिए। पागल हो गया था राम सिंह, क्या कहा था तुमसे?
हाँ मैंने क्या कहा था, ऐसी एक और डायरी लेके आ, तुमने ये क्या लेके आ गए तुम? हाँ एविडेंस का कहा था, भूल गया? अरे एक और ऐसी डायरी लेके आओ ना यार, प्लीज। थैंक यू, चलो। ये किसका डायरी है? ये तो मेरी बीवी की डायरी है सर, खत्म हो गई तो उसको एक और चाहिए थी। बीवी की? हाँ। ठीक है तो पढ़ो, देखो तुम्हारा बारे में क्या लिखा है। वो अच्छा, इंदर वो हिट एंड रन केस का विक्टिम कौन था? चंदनगर की कोई रहने वाली। नहीं नहीं, नाम नाम क्या है? विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा, ओके। नमस्ते दुर्गा, आपकी स्टूडेंट। अभी आपकी जिम्मेदारी है मिनी, अच्छे से पढ़ाई करना। स्कूल कहता है कि आप अपनी क्लास में काफी पीछे नहीं, हैं। नहीं, उतनी भी पीछे नहीं है। बात पूरी करने दीजिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कई लिंसा था पहले? आप कुछ लेंगी? नहीं जा। मिनी मुझे अपने घर में देखकर घबराई हुई थी, मुझे उसे कंफर्टेबल करने का कोई तरीका चाहिए था। मिनी बैठो। और तरीका मिल गया। मैम आपको बाहर जाना होगा, पढ़ाई के वक्त सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हो तो अच्छा है। आपका मतलब कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? नो नॉट लाइक दैट, आप समझ सकती हैं ना। मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उन्हें आंख मारी, उन्हें तो और भी। मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। मिनी याद है तुमने मुझसे उस दिन क्या कहा? कौन तुम्हें रात को सोने नहीं देता? मिनी मिनी आप बाहर क्यों आए? मैं आपसे पूछ रही हूँ आप बाहर क्यों आए? वो गलती मेरी है, मैंने उससे पानी मांगा। टेबल के पास एक बेल है, आप उसे बजाएं, नौकर आ जाएगा। जी बिल्कुल। मैं कैसे भूल सकती थी कि जब तक वो खुद नहीं बताना चाहेगी, मेरा उससे कुछ भी कहलवाने की कोशिश करना बेकार है। क्या करना है आपको? इसीलिए मुझे उसका दोस्त बनना पड़ेगा, इतना पक्का दोस्त जिसे वो सब कुछ बता सके, ऐसा दोस्त जो कभी मेरे पास नहीं था। आपके पास वाटर कलर? मैंने कहीं पढ़ा था कि पेंटिंग बच्चों से दोस्ती करने का अच्छा तरीका है। चलो पेंटिंग करते हैं। ये लो। फिंगर्स से करो। फिंगर्स डर्टी हो जाएंगे ना, ब्रश यूज करो। 9 महीने बीत गए लेकिन मुझे अपना जवाब अभी तक नहीं मिला। ये क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? हाँ सॉरी। नो नो इट्स ऑलराइट, सुनो मुझे अभी जाना है। और क्या ये? ऐसा लग रहा है कोई रिपीट लूप पे ड्राइंग किए जा रहे हैं। अरुण ने रियलाइज करवाया कि मिनी ड्राइंग ने कुछ रिपीट किए जा रही है, जैसे उसके साथ बार बार कुछ हो रहा हो। इन जीरोस में उसकी कलाकारी नहीं, उसके अंदर की कोई और ही बात निकल के आ रही है, और वो बात इन्हीं दीवारों में कहीं छुपी हुई है। मुझे ढूंढ के निकालना है, सबूत चाहिए मुझे। सब नॉर्मल था, कुछ नहीं मिला, पर मुझे पता ही नहीं मैं ढूंढ क्या रही थी। बस इतना जानती थी कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ वो मिनी के साथ ना हो। इस दुनिया को एक और दुर्गा की जरूरत नहीं है। यस सॉरी मैं बाथरूम ढूंढ रही थी। लेकिन ये तो मेरा स्टडी है,
बाथरूम जितना बुरा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बाथरूम जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप मिनी को ट्यूशन देने आती हैं, राइट? जी। जहाँ मिनी को पढ़ाती हैं, उसी रूम के सामने लिविंग रूम के बगल में भी एक बाथरूम है। ओह ठीक है। सॉरी, इतना ब्यूटीफुल लगा, जैसे जापानीज ओरिगामी की तरह है ना। आपको ओरिगामी अच्छी लगती है? वेरी गुड, चलिए कुछ बनाते हैं आपके लिए। नहीं नहीं ठीक है, वैसे भी प्लीज प्लीज, आई इंसिस्ट, आप गेस्ट हैं हमारे। लिविंग रूम के बगल में बाथरूम। खाना अच्छा नहीं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और कुक कैसा लगा? ऐसे कुक को तो मैं फौरन काम पे रख लूं। अरे वाह, अब तो ऑफर भी चल रहा है। क्या? सस्ते दाम पे जिंदगी भर के लिए ये कुक तुम्हारा हो सकता है, और साथ में बर्तन भी धो देगा, वो भी फ्री में। मतलब? मुझे प्रमोशन मिल गया, अपनी पब्लिकेशन का मैं अब इंटरनेशनल मैनेजर हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन मुझे लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा। ओह। अरे पूरी बात तो सुना। दुर्गा, दुर्गा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लंदन चलो, मुझसे शादी करके। अरुण, नहीं कोई कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो। मैंने अरुण से कहा उसके लंदन जाने से पहले मैं जवाब दे दूंगी। जितना मैं शादी से डरती थी, उतना ही अरुण के साथ रहना चाहती थी। दुर्गा, what to do with this child? आज फिर सो गई मेरी क्लास में। ये क्या है? मिनी, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मिनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिनी कहाँ है? ऊपर। And running, 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 he wins. मिनी, वो मैं सैटरडे को नहीं आ पाऊंगी, तो सोचा कि आज ही ट्यूशन ले लूं। ठीक है, कम लेट्स चेंज। वो घर पे कोई नहीं था, तो मैं मिनी की हेल्प कर रहा था चेंज करने में। मैं कर देती हूँ। ओके, मिनी, पढ़ाई का टाइम हो गया है, बाद में खेल लेंगे। ओके? कम मिनी। मैम, कपड़े? I was sure उसे मालूम था कि मैं जानती हूँ, इसीलिए अब सब कुछ बहुत जल्दी करना था। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? एक आदमी है जिसे मैं जानती हूँ, और उसने मुझे यहाँ छुआ। कोई मुझे यहाँ या यहाँ छूता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द भी होता है, स्पेशली यहाँ। मैं मिनी के सच के बहुत करीब थी, अब मुझे बहुत केयरफुली आगे बढ़ना था। मुझे बार बार छूता रहता है,
मुझे समझ में ही नहीं आता उसे कैसे रोकूं। मुझे भी। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे एक अंकल ने छुआ। तुम्हें किसने छुआ मिनी? मोहित चाचू, वो बार बार मिनी? हाँ चाचू। स्कूल से आके अभी तक दूध नहीं पिया? कम ऑन दूध पी के आते हैं। ओके चलो चाचू। अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें यहाँ वहाँ छूना चाहे। सिर्फ 6 साल की बच्ची है वो, तुम्हारी अपनी भतीजी। पर उसे अच्छा लगता है जब मैं उसे यहाँ वहाँ छूता हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहो तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन तुम अब बड़ी हो गई हो। रिपोर्ट करूंगी तुम्हारी। करो करो, लेकिन ऐसा करने से मिनी का क्या होगा सोचा है? तुम्हारा क्या होगा सोचा है? सोचो अगर अचानक कोई आ जाए जो तुम्हें यहां वहां छोड़ जाए। मिसेस इवान, मैंने उन्हें बता दिया कि उनका बेटा मिनी के साथ क्या कर रहा है। क्या? पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, पर फिर वो समझ गई। पता नहीं मुझे जीत की खुशी हो रही थी या कैद से आजाद होने की। जो भी हो, अब मिनी को कोई खतरा नहीं था। लेकिन मेरी जीत की खुशी अगले दिन ही बिखर गई। मैं समझी। दुर्गा, हम तुम्हें निकाल रहे हैं। तुमने स्कूल का नाम खराब किया। एक टीचर बनके दीवान्स के पास जाके वहां चोरी करके। नहीं मैम। यू आर लकी उन्होंने पुलिस केस नहीं किया। मैम वो मिनी को उसका चाचा अब्यूज कर रहा है। मैम मिनी की दादी भी ये बात जानती है। मुझे ये शक था इसीलिए मैं उनके यहाँ गई और ये सब किया। और मुझे ये बात पता चली इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं जा रहे। मैम दीवान्स, आर यू ब्लाइंड? दुर्गा, आई नो दिस फैमिली पर्सनली। मोहित मिनी को अपनी बेटी जैसा प्यार करता है, और एक फैमिली अपनी बच्ची को क्यों अब्यूज करेगा? अंधे तो आप सब हैं। मिसेस मेसन से बात करना बेकार था। मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। कुछ दिनों से। यस। मुझे एक चाइल्ड अब्यूज केस रिपोर्ट करना है। मोहित दीवान जी, कम दिस साइड। क्या हुआ? कम दिस साइड। ये सब क्या है? मिनी कहाँ है? उन्हें जाने दो। सॉरी मिस्टर दीवान। सर, उसे जाने क्यों दे रहे हैं आप? मिनी ऐसा कुछ नहीं कहा जो इनकी तरफ इशारा करे। ना इसे घर में किसी के खिलाफ कुछ मिला है। झूठी है ये। स्कूल से पता कीजिए। सर आप मेरी बात सुनिए प्लीज। आप चुप। ऑफिसर, इसने टीचर होने का नाटक किया और हमारे घर में आकर के चोरियां की हैं। आप स्कॉटिश मिशन में लीजा मेसन से बात कीजिए। लीजा मेसन? सच है? नहीं। तो झूठ बोला आपने? नहीं, मैंने झूठ बोला कि मैं टीचर। सो यू नॉट अ टीचर देन? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ सर। पर क्यों बोला आपने झूठ? नहीं, मैंने झूठ बोला कि मैं टीचर हूँ, पर चोरी करने के लिए नहीं। रियली वेस्टिंग माय टाइम। नहीं सर, मैम शी इज अ 6-year-old मैम। वो 6 साल की बच्ची है मैम, आपकी पोती है। बचाना है तो उसे बचाइए इस कमीने को। दुर्गा, दुर्गा, हाँ वेट वेट दुर्गा। मैंने अरुण को जवाब नहीं दिया और उस रात अरुण लंदन चला गया।
मुझे किसी एक को चुना था, मैंने मिनी को चुना। अभी भी पढ़ रहे हो? अरे यार रश्मि, बस थोड़ी देर और, हाँ प्लीज। I was really missing Arun. Normally वो मुझसे यही मिलता था। दुर्गा, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है? पुलिस के पास क्यों गई दुर्गा? क्योंकि तुम एक घटिया आदमी हो और तुम्हें जेल में होना चाहिए। अरे, तुम्हें पता कैसे चला? एक्सपर्ट हो या खुद एक्सपीरियंस्ड हो? मुझे लगता है हुआ है तुम्हारे साथ, तभी तो किसी का छूना पसंद नहीं। हाँ तो बताओ, जब तुम बड़ी हुई तुम पे कुछ असर हुआ इस बात का? शादी हुई तुम्हारी? सब कुछ नॉर्मली कर पाती हो अपने पार्टनर के साथ? सुना है सेक्स लाइफ खराब होती है, सेक्स से डर लगता है, तुम भी डरती हो क्या? बेकार में मिनी की जिंदगी खत्म करती दुर्गा। आई होप ये सब जान के तुम जी पाओगी। मोहित की आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मुझे मिनी के लिए डरा दिया। मुझे उससे मिलना था, एक बार देखना था कि वो ठीक है। घर में कोई नहीं था। मिनी? मिनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मिनी? 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 यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ, अंदर आओ। मिनी? यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो चलो सब अंदर चलो। मेरी गलती है। क्या? दादी ने कहा सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होती तो अच्छा होता। दादी का वो मतलब नहीं था। हाँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ओके? नहीं, मैं बोल रही हूँ, मेरी वजह से मम्मा पापा मर गए और मोहित चाचू अब कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। सब मेरी गलती से हुआ। तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। चलो चलो अंदर चलते हैं। मुझे सब ठीक करना होगा। क्या ठीक करना होगा? तुम्हें कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलो। सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। सब चलो। मेरी गलती है। तुम्हें कुछ नहीं करना है मिनी। हाँ चलो अंदर जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? दुर्गा, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे सुन पा रही हो कि नहीं। क्या पुलिस केस है? सो जाओ, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। दुर्गा, मैम इंदर, आई एम सो सॉरी दुर्गा, लेकिन तुमने भी तो कभी बताया नहीं। आ जाना तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद। दुर्गा, जब हमारी शादी हुई थी हम बहुत कम उम्र के थे और हमें इतनी समझ भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना दर्द, इतनी तकलीफ तुम्हारे अंदर ही छुपा रही हो। मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझे पसंद नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर! अरे मैंने खुद देखा है। अरे मैंने कब कहा कि नहीं हिला? हिला होगा, हिलते हैं कोई बार कोमा पेशेंट, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वो जागने वाले हैं। इट्स प्योरली ए रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है? दिखाता हूँ, एक नीडल नहीं हो तो।
देखा कुछ हिला? एक तो कॉटन लगी था। दुर्गा रानी सी जी, हम अंदर आ सकते हैं? ये यहाँ क्यों आए हैं? दुर्गा, तुमने मेरी फैमिली के खिलाफ सीरियस चार्जेस लगाए हैं, उसके बारे में बात करती जी नहीं, मुझे जो कहना था मैं पुलिस से कह चुकी हूँ। दुर्गा जी, हम अंदर जाके बात करते हैं, यहाँ सब देख रहे हैं। आइए हम अंदर चलते हैं। दुर्गा मिनी बच्ची है, कभी कभी कुछ भी बोल देती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सब सच है। मिनी को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो बचपन से ही थोड़ी मेंटली अनस्टेबल हो गई। पागल नहीं है मिसेस दीवान, दिमाग तो आपका और आपके बेटे का खराब है। जो मिनी के साथ मोहित ने मिनी के साथ कुछ नहीं किया, किया है, मिनी ने खुद मुझे बताया है। मिनी के बात का कोई भरोसा नहीं दुर्गा। कल वो बोले कि छत पे से तुमने उसको धक्का दिया, क्या मैं मान लू? तो ये आपका सलूशन है, मिनी को पागल साबित कर दो ताकि कोई उसकी बात न माने। दुर्गा, मैं मिनी को जन्म से जानती हूं, और इसीलिए आपने मोहित को इजाजत दी उसके साथ वो गंदी हरकतें करने की। मोहित मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। उसे प्यार नहीं मिसेस दीवान, उसे अब्यूज कहते हैं, शोषण कहते हैं। फिर मिनी ने आज तक कुछ कहा क्यों नहीं? सर्ली उसे प्यार और अब्यूज में फर्क मालूम है। मिसेस दीवान, कैसे एक 6 साल की बच्ची को मालूम हो सकता है कि प्यार क्या है और अब्यूज क्या है? कैसे उसे पता चलेगा कि जब कोई उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूता है तो वो प्यार नहीं अब्यूज है? कैसे उसको पता चलेगा कि कुछ चीजें खिलौने हैं लेकिन उसके अंकल के प्राइवेट पार्ट्स कोई खिलौना नहीं है? कैसे उसे पता चलेगा कि जब उसके अंकल उसे रात भर सोने नहीं देते तो वो कोई गेम नहीं है, सेक्सुअल अब्यूज है? बताइए मिसेस दीवान, कैसे 6 साल की बच्ची को मालूम हो सकता है कि प्यार और अब्यूज के बीच फर्क क्या है? दुर्गा, ये बात कहीं और जा रही है। तुम अपना केस विथड्रॉ कर लो और बोलो कि तुम क्या चाहती हो। मैं आपको और मोहित को जेल जाते देखना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर मिनी को प्यार और अब्यूज के बीच फर्क नहीं पता तो वो आपकी वजह से है। दुर्गा जी, ये आपने किसी और को तो नहीं बताया? नहीं, बहुत अच्छा किया। आप हॉस्पिटल जाके मिनी को संभालिए, इसे मैं देख लूंगी। बच्ची, उसे कुछ मत करो। किया तो तुमने सब कुछ है, उसका नतीजा है ये। मिसेस इवान, मरने की इतनी भी क्या जल्दी? हाँ, सॉरी दुर्गा, इसे साफ करने का टाइम ही नहीं मिला। ए, तुम अपनी परेशानी बढ़ा रही हो। हाँ, तुम परे मौत आसान चाहिए या दर्द भरी? बहुत सिंपल है। एक अकेली लड़की, न शादी हुई न नौकरी रही, टांग आके काट ले गला। Ah!
क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हें सुलाने के लिए। मुझे नहीं सोना है, मुझे घर जाना है। मैंने और चाचू ने तुम्हें बहुत सारे ड्रेसेस और टॉयज दिए थे ना, ताकि तुम किसी को कुछ ना बताओ। दिए थे कि नहीं? लेकिन जैसे मैंने कहा था वैसा तो तुमने किया नहीं। सॉरी दादी, दोबारा नहीं करूंगी, मुझे घर जाना है। सिस्टर, मिनी दीवान कौन से रूम है? मिनी दीवान कैबिन नंबर 29। 11, 13। प्लीज दादी, मुझे नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है मिनी। मिनी, गलती उसकी नहीं है। नहीं है उसकी गलती, बोलो। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। वो सिर्फ 6 साल की बच्ची है, बोलो। गलती उसकी नहीं है। कितनी बड़ी हो गई हो। I missed you, Mini. हाँ, सबको स्पेलिंग आता है। Yes. No, you're not scared of auntie. No. Hi, daddy. Hi, gudiya. Gudiya. Hi. चलो, चलो। कहाँ थे पूरी रात? रश्मि, कल से मैं इसे स्कूल छोड़ दूँ। क्यों? इतना फ्री टाइम है, थोड़ा मेरे साथ बिताओ ना। मेरा वो मतलब नहीं था यार। अंदर नहीं आना है? आ रहा हूँ। रश्मि, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। वाह, और जब मैं जाना चाहती हूँ तो 1000 बहाने। यार मजाक मत करो, जरूरी काम है। कोई बात है क्या? वो ही तो पता लगाने जा रहा हूँ। गट फीलिंग फिर से। हाँ, लेकिन देख लेना इस बार मैं सही निकलने वाला हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, तुम्हारा गट और उसकी फीलिंग, बाप रे। अच्छा लगता है? कितनी फीलिंग्स है पति के लिए तुम्हारी। शुक्र करो फीलिंग्स है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरह नहीं, पता नहीं किस किस के लिए फीलिंग्स है। वो ही पता लगाता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ यार। अरे रुको। ओह, तेरा जादू टोना कब खत्म होगा यार? अब जाओ। क्या कर रहे हो? Oh.
अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे कलकत्ता जाना है। इंजेक्शन दो तो। क्या होगा अभी? दोबारा लगाना पड़ेगा तो? हाथ तो क्या हुआ मुझे डॉक्टर? आपको एक्सीडेंट हुआ था, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो आके समझाएगा। पुलिस नहीं डॉक्टर, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज डॉक्टर, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। सर आपने बुलाया? हाँ, अजयराम सिंह, कल वो डायरी और खाता का वो नाटक किया था? अरे सर, पहले साहब ने बोला डायरी उस एक्सीडेंट केस का एविडेंस है, खाता में दर्ज करना है, तो मैं खरीद के ले आया। फिर आपका सामने साहब बोला जी डायरी उनका वाइफ का है, मैं तो एकदम कंफ्यूज मार गया, ये वाइफ किधर से आया? वो मैथी नर्सिंग वाला केस था शायद, वही है। इंद्र भी कहा? सुबह सुबह आया था फिर निकल गया। रुक मैं इसको फोन करता हूँ। सर इंस्पेक्टर सिंह का फोन बंद बता रहा है। पुलिस स्टेशन में फोन लगाओ तो देखो हल्दार है कि नहीं। हाँ सर। वो आप उनको शिफ्ट क्यों नहीं किया? मैं तो इंदर को ऑर्डर दे दिया था उनको शिफ्ट करने के लिए। अरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंस्पेक्टर सिंह ने बोला वो पैसा भर देगा। क्या इंदर पैसा देगा? राम सिंह। यस सर। ड्राइवर को बोला अब भी गाड़ी निकाले, ये आजकल का लड़के लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझता है लेकिन हल्दार उनका बाप है। तो बटी। जल्दी लीजिए। इन सब बातों पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। Are you sure? विद्या को आप किसी और से कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं? मुझ पे यकीन कीजिए डॉक्टर, मुझसे ज्यादा हैरान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सच है कि दुर्गा रानी सिंह एक वांटेड क्रिमिनल है। उसने मिनी को किडनैप किया और शायद मिनी के दादी का मर्डर भी। ये देखिए। व्हाट? ये दुर्गा रानी विद्या है? हाँ। पर वो उसका माँ नहीं है तो इतना वो क्यों करेगा मिनी को ठीक करने के लिए? पता नहीं लेकिन ये मैं पता लगा के ही रखूंगा। आप कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट नकली है? जी बिल्कुल, इनमें जो नाम लिखे हैं वो बिल्कुल गलत है। पासपोर्ट नकली कैसा हो सकता है इंस्पेक्टर? वीसा इशूड हुआ है पासपोर्ट पे। डॉक्टर सेन आपको कोई आईडिया नहीं हमारा देश कितने टैलेंट से भरा हुआ है। भाई साहब को जानते हो? अंकल गुप्पी को जानते हो? अंकल इनको जानते हो? गुप्पी गुप्पी जो नकली पासपोर्ट बनाता है। हाँ? अरे चाहिए मुझे गुप्पी, गुप्पी चाहिए मुझे। हाँ गुप्पी, गुप्पी भाग। थैंक्स।
ए गोपी। नहीं यार। किया तो फिर भाग क्यों रहा था? तुम मेरे पीछे क्यों भागा? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुन ये तेरा काम है। अब तक का बेस्ट काम है मेरा। चल नॉर्मली एक लगता है, आपका तो डबल रोल है ना, इसीलिए दो लगा। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर प्रणव भाला, आपको किस नाम से बुलाऊं? विद्या सिन्हा या दुर्गा रानी सिंह? हाँ मलय नमस्कार। धीरे धीरे अब हम डेफिनेटली कोलकाता वापस जाने वाले हैं। हेलो सर। यस सर। ओए राम सिंह के गाइड अबार को सर, सर मेरी मदद कीजिए सर। हाँ मेरी मदद कीजिए सर प्लीज। क्या मेरी मदद कीजिए सर प्लीज। कैसी मदद? सर मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी खो गई है सर, उससे जाके ढूंढना होगा, कलकत्ता जाना होगा सर, प्लीज सर। अच्छा अच्छा तुम्हारी बेटी? हाँ। जिसको तुमने किडनैप किया, जिसको दादी को तुमने मर्डर किया, वही बेटी है? नहीं सर वो मेरी बेटी है सर, सर मेरी बेटी है, सर मेरी बेटी है, मुझे उसको जाके ढूंढना पड़ेगा सर प्लीज। तो छोड़ दूंगा, तुम उनको समझाओ वो कैसे तुम्हारा बेटी हुआ, तो मैं तुमको जाने दूंगा। बोल हो गया, बोल जी। सर मेरी बेटी है सर, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर प्लीज सर। गुड इवनिंग सर। है बहुत तकलीफ है सर। सर आपके साथ एक बात था। रुक सर। जाने दो मुझे, मेरी बेटी के पास जाने दो सर। मेरी बेटी के पास जाने दो मुझे, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। मुझे जाने दो प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो। अरे आना प्लीज। नाटक बहुत देखा क्रिमिनल्स को ऐसा नाटक करते हुए। ए जाओ खाने के बचो, कुछ होगा तो मुझे फोन करना सर। मुझे ही फोन करना। यस सर। ओके आओ सर। सर सर सिंह सर, डॉक्टर माइती जी सर। सर इंस्पेक्टर सिंह। क्या सर? डॉक्टर माइती ने। अरे दिख रहा नहीं, दो लोग बात कर रहे हैं, अंदर जा। इंद्रजीत इस वक्त तुमको सस्पेंड करने का अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों सर? क्या रे कितना बेवकूफ लगता है मैं तुमको? सर मैं नहीं, तुम प्रमोशन के लिए कितना डेस्परेट है वो मेरे को मालूम है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं मेरे को अंदर में रख के तुम मेरा ऊपर से जाएगा। सर मैं तुमको अच्छा तरीका से पता था ये वही दुर्गा रानी सिंह है, लेकिन तुम हमको बताया नहीं। वो इसलिए कि पूरा क्रेडिट तुम लेना चाहते थे, हीरो बनना चाहता था, जबकि मैं तुमको पता था कि ये एक वांटेड क्रिमिनल है कि नहीं? नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं। क्या सर? मैं बस कंफर्म करना चाहता था, कंफर्म करते ही सीधा आप ही के पास तो आ रहा था। कैसा कंफर्मेशन? सर जब आपने बताया तो मैं श्योर नहीं था कि ये वही औरत है कि नहीं, लेकिन एक लीड मिली थी,
कोलकाता के एक डॉक्टर सैन के बारे में। मैं बस वही से आ रहा हूँ और ये बात पक्की है कि औरत दुर्गा रानी सिंह ही है, है ना? लेकिन सर आप ये नहीं जानते, ये नकली पेपर्स की मदद से देश छोड़ के भागने वाली थी। ये औरत हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो? ये लीजिए सबूत आपके लिए सर। रे, क्या डेंजरस औरत है ये? ये सब एनीवे हम लोग को क्या लेना? चलो इसको कल कलकत्ता में ले जाके वो कलिंपोंग पुलिस को हैंड ओवर कर। सर, सर इसको पकड़ने के बाद हमारा प्रमोशन पक्का है ना? चल काम खत्म करते हैं ना, उसके बाद तो प्रमोशन मिलने ही वाला है। एक्सक्यूज मी सर। क्या सर? डॉक्टर माइती ने दिया है आपके लिए। क्या देखिए ना सर। अरे ये क्या? सर बेड नंबर 21 का बिल है सर, वो एक्सीडेंट केस। अरे नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर गलत समझ गए मुझको। मैंने कहा था अगर दो दिन से ज्यादा होगा तो शायद मैं बिल भर दूंगा। ये उनको वापस दे दो, मैं उनसे बात करूंगा। सर आप ही दे दो ना, नहीं तो चचाएगा मुझे। अरे क्या चचाएगा, ये मजाक है? 65,000 का बिल मेरे हाथ में थाम दिया सर। और बिल बनाने से पहले कम से कम फोन तो कर दिया होता। सर ट्राई किया, आपका फोन बंद आ रहा था, आपका घर में भी फोन किया, लेकिन वहाँ आप नहीं। सर आपने ही तो बोला कि मोबाइल में नहीं मिलेगा तो घर में फोन करना। अरे यार मम्मी डैडी कहाँ हैं? पता नहीं। ये डैडी की डायरी है? पता नहीं। तूने तो डरा दिया यार मुझे। बाइक की आवाज आई थी, ऊपर नहीं आ रहा है? मैं बस आई रहा था। फिर से सिगरेट शुरू कर दी? सिगरेट? अरे वो तो कभी छोड़ दी मैंने। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम छोड़ दोगे। यार रश्मि वो कभी कभी मैं। मुझे बताया क्यों नहीं? रश्मि मैं रोज रोज थोड़ी पीता, कभी कभार एक पी लेता। यार तुम्हें बताता तो तुम यूं परेशान हो जाती हो ना, इसीलिए। इसीलिए छुपाया? हाँ। और क्या क्या छुपाया? तुमने डायरी पढ़ ली? नहीं, मैं किसी और की डायरी क्यों पढ़ूं? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम बताओ। दोनों को चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर वो कांस्टेबल उठ गया तो मुझे उसे दोबारा सुलाना पड़ेगा। तुम? हाँ। मिनिका? क्या? मिनिका? ए! मेरी बेटी कहाँ है? बेटी? हाँ बिल्कुल तुम पे गई है, बेचारी इंतजार कर रही है कब तुम आओगी, आके उसे बचाओगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे जाने दो। कैसे जाने दूं दुर्गा, मेरी इतने साल के करियर में सिर्फ तुम दोनों मुझसे बच गए। और जिस काम का मैं पैसा लेती हूँ उसे हमेशा खत्म करती हूँ, चाहे उसमें 8 साल ही क्यों ना लगे। और वैसे भी मिनी को मारने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हैं? क्या? बेटी है ना तुम्हारी, एक माँ होने के नाते तुम अपनी बेटी के लिए अच्छी चीजें सोचोगी ना? हाँ? उसे आसान मौत देनी है या दर्द भरी?
अगर कल 5 बजे तक तुम पहुंच गए तो तुम उसे खुद मार सकती हो प्यार से। ऐसे और अगर नहीं पहुंची तो पांच बजे आ जाना। किसी और को पता है कि वो तुम्हारी बीवी थी? नहीं, किसी को नहीं। सिर्फ पूनम की शादी थी रश्मि। उसे दोबारा देखने से पहले आज तक मैंने दुर्गा को याद तक नहीं किया। पर तुम्हें उसकी कहानी सच्ची लगती है? पता नहीं, लेकिन कोई अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? और उसकी वो किडनैप और मर्डर वाली कहानी? मेरी गट फील तो कहती है दुर्गा ऐसे नहीं कर सकती। लास्ट टाइम जब तुम्हें ये गट फीलिंग हुई थी तो हम सीधा चंदन नगर में पहुंच गए थे। मैं पुलिस वाला हूं रश्मि, 2 साल रहा हूं उसके साथ। हाँ, पूरी मेरी नहीं थी लेकिन मेरी बीवी जरूर थी। ओए रश्मि, तुम रो क्यों रही हो? मेरे लिए कोई डरने की बात? दुर्गा मेरी बीवी थी, तुम मेरी बीवी हो। तो फिर ऐसा कुछ मत करो जिससे सिमरन पर कोई असर पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, करना भी चाहूं तो कुछ नहीं कर सकता। कल कालिंगपोंग की पुलिस आके उसे ले जाएगी और फिर ये कहानी खत्म। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी सर। क्या? फौरन आ रहा। दुर्गा नर्सिंग होम से बात। বিয়ে করবি? তুই সে জানে কেসে দিয়া? স্যার, উসনে কাহা উসে টয়লেট জানা হ্যায়, আর ওয়া দুসরা ঔরত ভি মর গই থি, তো উসি কনফিউশন মে হ্যায়। কনফিউশন মে হ্যায়। ইসকো ক্যা হুয়া? নীত মে চল বসি। ভিঙে পড়ছে একবার। দরওয়াজা খুলে। ইসকো দেখনে কে লিয়ে ডিউটি দিয়া থা তেরে কো। তো ফির তু কিউ নেই কিয়া দুর্গা কে সাথ? লেকিন লেডিস টয়লেট মে মে কাইসে? চুপ। किसी तरीका से ये दुर्गा चंदन नगर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर, सर मैं जानता हूँ कहाँ रहती है, हमें उसके घर फौरन जाना है। चलो, don't waste time, चलो 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 चलो। बेनु काका, बेनु काका। इत्ता, इत्ता, क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, मेरी घर की चाबी दे दो। हाँ, पीछे पीछे।
धरिए। ये अरे ये तो बंद है। ऊपर कौन है? हाँ ऊपर बेनू काका उनके पास एक चाबी है। मैं पीछे चेक करूँ? हाँ तुम पीछे चेक करो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। अरे एक खाता सीढ़ी और नीचे भीड़ जाते चाबी टाइप तो दिन तो हाँ ये तो एक कौन है एक मिनट आगे से नहीं है एक मिनट है सर पकड़ ले इसको पीछे छुप लीजिए आ आ छोड़ आ आ छोड़ आई इंद्रजीत सिंह बेहतर है। अच्छा एक ना एक तो शुरू करूँ। हाँ देख देख गंगा घाट दूर देख सब तुमको बोलना क्या पड़ता है इंद्र बुद्धि बुद्धि क्या हुआ तुम्हें कुछ नहीं यार मुझे चोट लगी गोली लगी है गोली गोली नोस का हाल दा हाँ बोल तुम्हें गोली लगी है हाँ मगर मैं ठीक हूँ यार बस छूके निकल गई किसने मारी तुम्हें गोली कोई नहीं मतलब एक डेंजरस क्रिमिनल दुर्गा रानी सिंह बहुत जोर मच गया इंदर चार इंच इधर उधर हो जाता ना बस गोलबाय उसने तुम पे गोली चलाई जिस औरत का तुम हॉस्पिटल का बिल भरने वाले थे नहीं नहीं वो तो इंदर इसलिए किया था कि दुर्गा यही ठहरे हम लोग उसके ऊपर नजर रख सके यहाँ से ना जाए अरे यार रश्मि रश्मि रुक जाओ यार रश्मि अरे सुनो यार क्या हुआ ये मेरा काम है यार नहीं नहीं है अगर तुमने पहले दिन सब सच बता दिया होता तो ये नहीं होता रश्मि गोली मुझे छू के निकली मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ ना तुमने कहा था कि मेरे पास जाने की कोई वजह नहीं, नहीं है लेकिन तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो अगर गोली चार इंच इधर लग गई होती तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने क्या एक बार भी सिमरन या हमारे आने वाले तुम तुम प्रेग्नेंट अरे क्या यार रश्मि ये भी कोई तरीका हो बताने का इंदर किधर क्या रे सर जब से मैं यहाँ हूँ तब से तो दिखा नहीं मस्त जी लास्ट टाइम कब निकला लास्ट टाइम तो बहुत पहले निकल गया इधर नहीं है सर क्या रे मिला हाँ सर ओके सर मुझे लगता है कोलकाता भाग गया हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है सर आपके लोग चंदनगर से यह बताने आए कि वो औरत तुम्हें मिली और फिर उनसे भाग गई Looks like it. Sir, I'm sorry. If I'm not mistaken, ये चंदनगर एक फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा है तो इतनी छोटी जगह से वो कैसे भाग सकती है हाउ क्या कर रहे थे आप यहाँ पे वो मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज समझ में नहीं आ रहा है वो लड़की कालिंपोंग से भाग के कलकत्ता क्यों आई अगर भागना है तो दूर कहीं भागती इतने पास की जगह में क्यों आएगी वो सर एक हफ्ता पहले हमें एक नया इन्फॉर्मेशन मिला उनकी यहाँ कलकत्ता में किसी के साथ शादी हुई थी शायद उसे मिलने या मदद लेने किस नाम अभी तक पता नहीं चला ढूंढ रहे तो ढूंढो उसे पकड़ो उसको वो अकेला लीड हो सकता है उस दुर्गा रानी तक पहुंचने के लिए ओह सॉरी सॉरी सर हेलो हाँ जल्दी बोलो मैं लाल बाजार में हाँ मैं ठीक हूँ रुक जाओ मैं एक घंटे में फोन करता हूँ सॉरी सर वो जब से गोली लगी है मेरी बीवी परेशान सी एनीवे लेट्स गेट बैक टू वर्क इस दुर्गा रानी सिंह को ढूंढना है और उसकी हस्बैंड को भी इंदर यू फाइंड आउट दैट हस्बैंड अकाउंट क्लोज मैम यस
डॉक नंबर 15 कहाँ है? सामने। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तो ठीक है? इन्होंने कुछ किया तो नहीं तुझे? हाँ मम्मा, मुझे घर जाना है। जाएंगे, अब मैं आ गई हूँ ना, इसे छोड़ दो प्लीज। जाना तो तुम दोनों को है, एक ही जगह। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बोला ना, मेरी रोजी रोटी है ये, पैसे मिलते हैं इसके। हमारा खून करके तुम कैसे बच पाओगी? क्यों नहीं दुर्गा, तुम तो बच गई थी ना। बहुत इंपॉर्टेंट। हे इंद्रजीत, अभी पता चला सारे मैरिज रिकॉर्ड्स रिसेंटली कंप्यूटराइज्ड हुए हैं। डेटाबेस में हस्बैंड का नाम जल्दी मिल जाएगा। गुड न्यूज़ है? यस सर। कमिश्नर को बताना जा रहा हूं मैं। सी यू। गुप्पी। दुर्गा। चिंता ना करो, ये सांप है, प्यार से इसकी कलाइयों पे चला दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे पास चॉइसेस ही क्या है दुर्गा? ले लो। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तो पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी और मिनी को उसके घर भेज देगी। मेरे पास फिर? और वो होगी दर्द भरी मौत। ए, ए, नहीं, सोच समझ नहीं के? कोई हथियार नहीं है। ये सब ले लो, मिनी के इलाज के लिए जमा किए थे, सब दे दूंगी तुम्हें, बस इसे मार दो। अरे वाह, कहानी में ट्विस्ट। ए, बंद करो ये बकवास, और तुम्हें जिस काम के पैसे दिए ना वो करो। मेरी बात सुनो, कम से कम तुम पैसों के लिए मारती हो, तुम्हारे कुछ उसूल है। ये लोग तो बिना वजह लोगों को मारते हैं। मैं तुम्हें सब पैसे दे दूंगी, तो बस इसे मार दो। तुम मुझे भी मार सकती हो, सिर्फ मेरी बेटी को छोड़ दो। मार दो इसे। कितने पैसे है तुम्हारे पास? काम करने के पैसे दे रहा था तुम्हें, बकवास करने के नहीं। अपने प्रमोशन तो आज हमारे साथ लाल बाजार में होता। अरे तुम अपने बीवी को फोन किया, कितना देर हो गया?
कर लो सर। सर कोई दुर्गा रानी सिंह आपसे बात करना चाहती है। क्या बक रहे मुझसे? हाँ सर, मेन लाइन पे। चलो चलो चलो। सर हेलो, इंद्रजीत सिंह बोल रहे हैं? हाँ। आप अकेले हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ? वो मैं आपकी गाड़ी में कलकत्ता आई थी। आपको क्या चाहिए? आपकी हेल्प चाहिए। किस लिए? अपनी बेटी को बचाने के लिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। दुर्गा, दुर्गा जी, मेरे ख्याल से आपको पुलिस स्टेशन आ जाना चाहिए। हम नहीं, उनसे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। पुलिस ने कभी मेरी मदद नहीं की है। सब पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। सॉरी, मैंने आपको फोन किया। अच्छा अच्छा, सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है, पुलिस स्टेशन मत आना। तुमको मुझ पे भरोसा है ना? मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम मुझे वहां मिलो। मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ। सिर्फ मैं। इंद्र, दुर्गा तुम्हें क्यों फोन किया? पता नहीं, लेकिन मैं खुश उसने किया। मुझ पे गोली चलाने का हिसाब तो चुकाना है उसे। हम जा कहाँ रहे हैं? ये जगह है क्या? मेरे पेरेंट्स का घर है, अब वहां कोई नहीं रहता। हाँ। सर? हाँ? सर, अगर मैंने वो दुर्गा को पकड़ लिया तो मेरा प्रमोशन तो हो जाएगा। फिर मुलाकात हो गई। हल्दार। सॉरी दुर्गा। इनको हर बार बंदूक कहां से मिल जाता है? बंदूक पर से हाथ हटाओ, हटाओ। तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ दुर्गा। तुम सब एक जैसे हो। ये तुम्हारा बेटी नहीं है। ये मेरी बेटी है। दुर्गा बंदूक नीचे रखो। पीछे हटो, पीछे हटो। इसका कोई फायदा नहीं दुर्गा। बाहर देखो, बाहर देखो दुर्गा, पुलिस घेर चुकी है। सर, ये लोकेशन है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर जाके बोल दो कि वो चली जाए। बोल दो अभी, अभी। वो मेरी बात नहीं सुनी। जाओ। अरे तुम बंदूक नहीं चला गाओ। ए दुर्गा, उतार सर, उतार सर। जाके कह दो सबसे कि वो चली जाए, वरना ऐसे मार डालूं। नहीं इंदर, मत जाओ। इंदर जाके बोलो। क्या हो रहा है अंदर? हल्दार का? सर, उसने हल्दार को गोली मार दी। उसको अंदर हॉस्टेज रखा है। उसको कान कहाँ से मिला? पता नहीं सर, बिल्कुल पागल हो गई। सुनो दुर्गा, तुम सब मर देख जैसे हो, सबके सब। पर मिनी मेरी बेटी है। सुनिए ना, और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। How long was she in Chandannagar? कुछ 8-9 साल से। सर, we are wasting time. हमें अंदर जाना चाहिए अभी। लेकिन हल्दार, अरे ये दुर्गा, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को मुझसे अलग करना चाहते थे ना? हाँ, अब लो। अरे ये देखो,
ये देखो अब करो अलग सुनो अलग करना चाहते हैं मम्मा क्या कर रहे हो मिनी मिनी दुर्गा ये क्या कर रही हो अरे सब मर जाएंगे तुम्हारा बेटी सब मिनी तू फिक्र मत मेरा बात सुनो दुर्गा कोई अलग नहीं कर सकेगा ठीक है सुनो 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 दुर्गा दुर्गा सुनो मैं मम्मा से बात करता हूँ मैं मदद करूंगा तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें बोलो तुम जैसे लोगों का मर जाना ही अच्छा है दूसरों की मदद नहीं करते ना मेरी बेटी को मुझे अलग करना चाहते थे अब करो करो ओके मूव इन चलो मूव इन मूव मम्मा अब क्या कर रहे हो हे दुर्गा हे मैं 8 साल की बच्चा है प्लीज 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 हम मुझे जाने दो प्लीज जो ना जाओ उठो जाओ मम्मा आई डोंट वांट टू डाई मिनी तू डर मत अब ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा हाँ फिर हम हमेशा साथ रहेंगे इसको तो ले जाने दो एक दो तीन सैन कवर दैट चलो 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 तुम चलो अरे हट जाओ अरे पीछे हट जाओ अरे ये पागल हो गई है पीछे हट जाओ व्हाट अरे भाग जाओ क्या हुआ क्या कह रहे नो नो सर अरे सब पीछे हट जाओ क्या हुआ इधर दूर हटो ये पागल घर को उड़ाने वाली है भाग जाओ उड़ाने वाली है पीछे हटो पीछे हटो अरे पीछे हटो नहीं वो अब तक नहीं है बाहर जैसे बाहर आएंगे मैं तुम्हें फोन करूंगा प्रॉमिस अच्छा सर अच्छा आगे मैं फोन करता हूँ आई एम रियली वेरी हैप्पी थैंक यू सर टेक केयर ऑफ योर लेग ओके सर वेल डन इंदर सर मेरे प्रमोशन के बारे में बात हुई हाँ और नहीं मिला कैसे सर मैंने दुर्गा को पकड़ा लेकिन गोली तो मैं खाया गोली तो मुझे भी लगी थी वो तो छू कर निकल गया मेरा तो अंदर गया ना इसके लिए ज्यादा पॉइंट्स मिलता है हाँ इसलिए मेरा प्रमोशन हो गया नेक्स्ट मंथ से ललबाजा ज्वाइन कर रहा हूँ आ जा घर चलते हैं ओ इंदर तेरे को पता है वो शादी वाला डेटाबेस वो बात से कुछ वायरस अटक हो गया बस क्रैश हो गया और करो कंप्यूटरिंग खाओ ना कहानी चुबानी द लेट दुर्गा रानी सिंह थैंक यू फॉर माय प्रमोशन वो भी जल गया इसको भी जला दो लो मैं चलूं सर अरे इंदर डोंट वरी यार मैं हूं ना लाल बाजार में एक दो साल में चक्कर चलाता हूं हो जाएगा तेरा प्रमोशन थैंक यू सर ए राम सिंह Purpose for your visit to the United States? Medical treatment for my daughter. Is that your daughter? Yes.
Have a pleasant stay, ma'am. Thank you. कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसे. एक चाचा कैसे अपनी? बिल्कुल ठीक है. उतना ही नॉर्मल है जितना कि मैं और तुम. जो लोग बच्चों को अब्यूज करते हैं ना, आम लोग जैसे ही होते हैं. इसीलिए इनसे बचना मुश्किल होता है. लीजिए. चल दुर्गा रानी से. हाँ, दुर्गा रानी से. सबूत आपके लिए. हाँ सुन दुर्गा, ओके ये लोडेड है, सीधा मुझे इधर मार ले. हाँ सर, पकड़ लिया मैंने. हेलो, मैं मिनी को लेने जा रही हूँ. रुक जाओ, मैं एक घंटे में फोन करता हूँ. सॉरी सर, वो जब से गोली लगी है मेरी बीवी परेशान सी. गोपी, सब इंतजाम हो गया? तेरे प्रमोशन की मां की. तुम स्नोमैन के लिए स्नो कैसे लेके आए? उस बोट पे लेके आए थे? चंदन अगर अच्छा लगने लगा है अब, एक दो साल आराम से निकाल सकती हूँ. पक्का? पक्का. सोच लो, अब प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल है. प्रमोशन मिले या नहीं, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा कभी. वही तो रोने की बात है. क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार. चले लेट्स गो. पता है मम्मा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे. उस दिन उस घर में मुझे सच में लगा कि हम मरने जा रहे हैं. जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा.